हेलो गाइस, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस तरह का आपके पास पुराना अगर टॉर्च है एवरेडी डीजी रेडी, इसमें क्या है कि इसमें सेल जो है 30-30 रुपये का सेल आता है। 3 सेल आप लेंगे तो 90 रुपये का सेल लग जाएगा। इससे सस्ता आपको इसमें हम आपको कम खर्चे में इसको चार्जेबल बनाना है। इसको मैं आपको बताऊँगा कैसे चार्जेबल बनेगा, बस हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। इसमें मात्र 60 रुपये खर्चा आएगा बैटरी लगा के। इस तरह का चार्जेबल बैटरी आएगा, इसको हम चार्जिंग सिस्टम बना के आपको दिखाएंगे। बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बैटरी आपको महंगा पड़ जाता है। 30-30 रुपये की बैटरी है, 3 बैटरी 90 रुपये की हो जाएगी। 2-3 महीने चलेगी फिर खराब हो जाएगी। अगर ये व्यवस्था लगा देंगे, इस तरह का बैटरी लगा देंगे, तो क्या है कि आपकी लाइफ 6 महीने साल भर आराम से चल जाएगी। मात्र 60 रुपये खर्चा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको इस तरह से खोल लेंगे। इसमें का जो प्लस माइनस वायर है, यहाँ से इसको कनेक्शन करके बताएंगे। ये स्विच है, इसको स्विच तो पहले से निकाल दिए थे। यहाँ पर हम नया स्विच लगेगा। इसमें क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। एक इस तरह का बैटरी ले लेना है। यह बैटरी बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें सर्किट लगा है ऑटो कट, ओवर चार्ज होगा तो कट हो जाएगा। और इस तरह का भी बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ऑटो कट नहीं है, ये लिथियम बैटरी भी है, तो ये बेस्ट रहेगा। इस तरह का बैटरी लगा लेंगे तो, क्योंकि इसमें ऑटो कट है। और ये बैटरी आपको मार्केट में मिल जाएगी। और इस तरह का ये चिपटा वाला जैक लगाना होगा। और एक इंडिकेटर के लिए इस तरह का LED लेना, एक रेजिस्टेंस लेना 1K का, और एक 2.2 रेजिस्टेंस जो इस बल्ब को कंट्रोल करेगा इसके आगे वाले को। और इस तरह का एक डायोड मिल जाएगा। सब मिला जुला के 60 रुपये खर्चा है। 60 में आपको सामान मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से आप घर पे इसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बल्ब को चेक कर लेते हैं बैटरी के माध्यम से कि ये सही है कि नहीं। देखिए, इसमें 2 पॉइंट दिया है, ये बीच वाला जो प्लस है और ये साइड वाला माइनस है। तो मैंने पहले से ही माइनस वाला को बाहर से, छोटा लेग जो माइनस है बड़ा लेग प्लस है। अब क्या करना है, प्लस वाले में इसको रेजिस्टेंस को लगा लेना है इस तरह से। इसे इस तरह लगा लेना है। उसके बाद ये आपका इंडिकेटर का काम करेगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने पहले से होल्ड कर रखा हूँ इंडिकेटर के लिए। इसको इसमें टाइट कर देंगे, इस तरह टाइट कर लेंगे। इसमें भी 2 लेग है, एक छोटा लेग है एक बड़ा लेग है। बड़ा वाला प्लस है, छोटा वाला माइनस है। तो हमको क्या करना है, जो रेजिस्टेंस लगाए प्लस वाला है, इसको मैं बड़े वाले लेग में कनेक्शन कर देंगे। पहले इस तरह से इसको हम टाइट कर देंगे, उसके बाद इसको शोल्डर से कनेक्शन करेंगे। देखिए, इस तरह से इसको टाइट कर दिए हैं। और जो डायोड है, 4007 का डायोड है, मात्र 1 रुपये मिल जाता है। इसको देखिए, एक तरफ सिल्वर पट्टी है, ये प्लस है, इस तरफ माइनस है। तो हमको प्लस की तरफ लगाना है, बैटरी का कनेक्शन देना है। इधर जो सिल्वर नहीं, इसको पिन की तरफ देना है। पिन में जो है, इसमें प्लस का कनेक्शन हम दे देंगे इस तरह से टाइट करके। इस पर शोल्डर कर देंगे। शोल्डर कर देने से आपका मजबूती पड़ा रहेगा, बना रहेगा। इस तरह से इसको डायोड को लगा देंगे। लगाने के बाद इसको शोल्डर के माध्यम से इसको टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब ये आपका जिधर सिल्वर वाल पट्टी है, ये आपका बैटरी में जाएगा प्लस की तरफ। और एक इंडिकेटर का कनेक्शन मैंने दे दिया हूँ, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। प्लस वाले में ये आपका डायोड होके बाहर जाएगा, इधर माइनस वाला है। अब जो चलिए दोस्तों, उसको चेक करके दिखा देते हैं चार्जर के माध्यम से। ये हमारा इंडिकेटर, देखिए इंडिकेटर चालू हो गया, इसका मतलब हमारा चार्जिंग काम वर्क कर रहा है। चलिए दोस्तों, फटाफट कनेक्शन करके दिखा देते हैं। सबसे पहले ये जो टॉर्च है, इसमें प्लस का कनेक्शन यहाँ से देना है, माइनस का मैंने पहले से निकाल लिया हूँ। और प्लस के लिए आपको एक वायर की ज़रूरत होगी। सबसे पहले वायर को, चलिए माइनस वाला कनेक्शन हो गया, प्लस का कनेक्शन कर देते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसे आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। मैंने पुराने एवरेडी टॉर्च को मॉडिफाई करके चार्जेबल बना रहा हूँ।
इस तरह से आपका प्लस माइनस हो गया। इसको चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं, 200 सही है। अब इसको फटाफट फिट करेंगे। सबसे पहले इसमें स्विच लगाएंगे। स्विच लगाने के लिए इसका एक वायर जो है माइनस वाला स्विच में आएगा। इस तरह से स्विच में कनेक्शन कर देंगे। ये माइनस वाला है, ऐसे तो एलईडी का एक वायर जो माइनस वाला है स्विच में जाएगा और फिर इसी में से माइनस वाला स्विच में जाएगा। तो पहले से इसमें डाल लेते हैं इस तरह से। ये माइनस वाला जो बैटरी में जाएगा सीधे। इस तरह से आपका एक लाइट का माइनस वाला भाग स्विच में आ गया। फिर इसी में एक स्विच से पीछे में माइनस वाला चला जाएगा। इस तरह से आपका स्विच वर्क करेगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये प्लस वाला इसका वायर ये भी इसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा समय लग रहा है। दोनों वायर आ गया हमारा, आगे का जो एलईडी लाइट इस तरह से। अब इसको टाइट कर देंगे। स्विच भी हमारा लग गया है। दोनों एलईडी बल्ब का वायर आ गया पीछे। फटाफट इसको हम कनेक्शन कर देते हैं। सबसे पहले बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं। बैटरी को इसको प्लस वाले माइनस को निकाल देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। एक प्लस को निकाल देंगे, जैसे इसको छील कर। इसमें देखिए डायोड वाला जो सिल्वर पट्टी है, इसमें आपका बैटरी का प्लस वाला कनेक्शन आएगा और एक तरफ आपका माइनस वाला कनेक्शन आएगा। तो चलिए दोस्तों, प्लस वाला कनेक्शन बैटरी का कर देते हैं फटाफट। मेरा पूरा कोशिश है कि मैं आपको कुछ सिखा दूं। देखिए बैटरी का प्लस वाला कनेक्शन हम दे दिए हैं। अभी माइनस वाला कनेक्शन देना है पिन में। पिन में ये दूसरा वाला जो माइनस है, इस पे यहाँ बैटरी का कनेक्शन हमको देना है। इस तरह से बैटरी का कनेक्शन हम दे देंगे, जिससे हमारा बैटरी चार्ज होगा। देखिए दोस्तों, ये आपका लगभग अब बन के तैयार होने वाला है। इधर का जो दो वायर आए हैं प्लस और माइनस का एलईडी लाइट का, इसको माइनस का कनेक्शन हम इसके वायर में दे देंगे। ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसी में हम दे देंगे। इसी में हम इसको कनेक्शन देके यहाँ पर इसको इस तरह से टाइट करके इसमें थोड़ा सा सोल्डर लगा देंगे, जिससे इसका जो जोड़ है थोड़ा मजबूत रहेगा। इस तरह इसको अब टेपिंग थोड़ा सा कर देंगे। कर दे रहे हैं ताकि इसमें शॉर्टिंग का समस्या ना हो। देखिए, ये आपका कनेक्शन ओके हो गया है। और एक एलईडी वाली जो लाइट है आगे की, माइनस में बैटरी दे दिए हैं। चाहे यहाँ पर माइनस दीजिए, चाहे जो माइनस का वायर यहाँ गया यहाँ दीजिए, चाहे एक वायर एक्स्ट्रा है माइनस का, इसलिए मैंने इसमें दे दिया हूँ। और ये माइनस यहाँ भी दे सकते थे। और ये प्लस का कनेक्शन अब आगे वाले टॉर्च को, आगे वाले एलईडी को हम यहाँ पर डायोड के ऊपरी हिस्से में जो वहाँ पर बैटरी कनेक्शन है वहाँ पर इसको दे देंगे। इस तरह से इसको सोल्डर कर देंगे। थोड़ा सा इसको टेपिंग करेंगे।
ताकि अंदर से शॉर्टिंग उटिंग ना हो। चलिए दोस्तों टेपिंग कर दिए हैं, अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों वर्क कर रहा है। अब इसको इसकी बैटरी को यहाँ पर टाइट कर देंगे जिससे हमारा बैटरी हिलने डुलने ना पाए। इसके लिए या तो ग्लू गन का प्रयोग करें, यहाँ पर बहुत समस्या है ग्लू गन कैसे होगा, इसलिए हम यहाँ पर दो होल कर देते हैं। होल करके इसको टाई के माध्यम से बैटरी को बांध देंगे। इस तरह से नुकीला कोई भी चिमटी हो या जिससे भी है होल कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से टाई ले लेना है, टाई से इसको जाम कर देना है बैटरी को। दोस्तों इस तरह से टाई लगा के मैंने बैटरी को अंदर फिटिंग कर दिया हूँ जिससे हमारा बैटरी हिलेगा डुलेगा नहीं। तो इसको इससे टाइट कर लिए हैं। अब इसको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि बार बार खोलेंगे तो इसका वायर टूटने का डर रहता है। इस तरह से इसको इसके ढक्कन को पूरी तरह से टाइट कर लेंगे और अब इसको चेक करेंगे। देखिए दोस्तों अच्छा वर्क कर रहा है, फोकस भी बहुत बढ़िया है। देखो मैंने इसको मॉडिफाई करके इसको चार्जेबल बनाया। पहले इस तरह का बैटरी लगता था जो महंगा पड़ जाता था। बार बार इसको लगाने से अच्छा है एक ही बार इसको चार्जेबल लगा के इसको मैंने मॉडिफाई करके इसको तैयार कर दिया हूँ। दोस्तों अब क्या करना है, ये जो स्विच है इसको थोड़ा सा फेविक्विक से हम जाम कर देंगे। देखिए दोस्तों हमारा टॉर्च बन के तैयार है। इस तरह से बढ़िया इसके ब्राइट लाइट है, बहुत ही अच्छा रोशनी है। देखिए दोस्तों मैंने रेडी का टॉर्च था जो 3 सेल का मोटा मोटा सेल लगता था उसको मॉडिफाई करके इसको चार्जेबल बनाया हूँ बहुत ही कम खर्चे में। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई समस्या हो तो इसे कमेंट भी करिएगा।